हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ब्लैक की एक बेस्ट ओपनिंग बताऊंगा। बहुत ही फेमस और ओल्ड ओपनिंग है जिसका नाम है सिगोरिन डिफेंस। ओपनिंग की पूरी लाइन देखने के लिए मेरे बहुत सारे वीडियो सिगोरिन डिफेंस के सारे वेरिएशन में मैंने पहले डाल चुका हूँ यूट्यूब में, लेकिन आज एक स्पेशली आपके लिए ट्रैप बना के लाया हूँ सिगोरिन डिफेंस में अगेंस्ट D4 क्वींस गैम्बिट। व्हाइट जब क्वींस गैम्बिट खेलता है तो D4 के सामने कैसे खेलना है। D4 D5 आपको यहाँ पे बेस्ट रिप्लाई है D5 और यहाँ पे C4 C4 के बाद Nc6 दिस इज ए सिगोरिन डिफेंस। अब यहाँ पे व्हाइट के पास चॉइस है Nf3, जो यहाँ पे अगर E3 करता है तो सिंपल E5 वाली लाइन मैंने आगे वीडियो में दिखाई है आपको। Nf3 ये एक बेस्ट चॉइस है। Nf3 के बाद यहाँ पे आपको रिप्लाई देना है एक और भी वेरिएशन है Nc3। दोस्तों Nc3 में सिंपल आपको खेलना है E6। ये अलग अलग लाइन है, तो एक दूसरा भी है जैसे कि थर्ड मूव में पॉन टेक्स पॉन, तो सिंपल क्वीन टेक्स डी पॉन। अब यहाँ पे ओपनिंग ट्रैप शुरू होती है। ये जो मैंने आपको पहले भी बताया कि Nf3 और Nc3 और E3 सबकी लाइन मैंने आगे के वीडियो में आपको दिखाई है, आज मैं आपको स्पेशली दिखाऊंगा आफ्टर पॉन टेक्स पॉन क्वीन टेक्स D5। यहाँ से ब्लैक के व्हाइट के पास कितने ऑप्शन है, एक पॉन को सेव करने का E3 ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है Nf3। अब Nf3 के सामने आपको खेलना है बिशप G4। वैसे एक तो E5 भी इज ओके, लेकिन मैं आपको एक नई ट्रैप बताने वाला हूँ, इसमें आपको खेलना है बिशप G4। आफ्टर बिशप G4 Nc3 क्वीन पे अगर ब्लैक व्हाइट अटैक कर तो क्वीन H5। अब सारे मूव आपको सरप्राइज करेंगे क्वीन H5। H3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि H3 के बाद H x G4 अभी पॉसिबल नहीं है, पॉन पिन है इसलिए। तो व्हाइट रिप्लाई देगा E3, नॉर्मली वो अपने पीसीस को डेवलपमेंट करेगा। यहाँ पे आपको करना है लॉन्ग कैसल और यहाँ पे बिशप E2 अनपिन करेगा व्हाइट अपने नाइट को, और यहाँ आपको Nf6 एक नेचुरल मूव खेलनी है जो सेंटर पे कंट्रोल करता है। कैसल करेगा व्हाइट, उसके बाद E5 और बाद में H3। ये पोजीशन आने के बाद अब आप अगर बिशप टेक्स H3 करते हो तो यहाँ पे ब्लैक टोटली लॉस है, क्योंकि H क्वीन टेक्स देन नाइट G5 और आपके क्वीन के पर अटैक है और नाइट टू F7 जिसे आप बचा भी नहीं सकते हो। तो ये गलती मत करना बिशप टेक्स H3। यहाँ पे मैं आपको एक बेस्ट मूव बताता हूँ बिशप टेक्स H3 के बदले, सरप्राइज मूव है ED4। अब पॉन टेक्स G4, यहाँ पे नाइट टेक्स G4। अब यहाँ डबल अटैक है आफ्टर पॉन टेक्स D4 नाइट टेक्स D4, और अगर नाइट टेक्स नाइट किया तो क्वीन H2 चेकमेट है और डिस्कवर की नेक्स्ट थ्रेट है नाइट टू F3। तो यहाँ पे क्वीन F5 डिस्कवर से बचने के जाएगा तो नाइट F3 देन चेक मेट इन टू मूव्स। तो क्वीन A4 ब्लंडर है, पॉन टेक्स पॉन भी ब्लंडर है। पॉन टेक्स पॉन के बदले अगर व्हाइट पहले से क्वीन A4 जाता है तो सिंपल पॉन टेक्स C3 आफ्टर बिशप B5 और यहाँ पे बिशप D6 विथ अटैक ऑन H2। तीन तीन पीस इस स्क्वायर पे अटैक कर रहे हैं, तीनों पीस एक ही जगह पे। बिशप टेक C6 थोड़ी सी पुलिस मूव है क्योंकि बिशप चेक देन किंग H2 देन रुक D6। आइडिया बिहाइंड दिस मूव नेक्स्ट रुक टू H6 एंड डिस्कवर चेकमेट। तो व्हाइट ट्राई करेगा E4 करके बिशप रुक को आने से रोकने के लिए, लेकिन यहाँ सरप्राइज मूव है बिशप टू F4 डिस्कवर चेक आफ्टर किंग, जैसे कि किंग G1 देन रुक H6 और अनअवॉइडेबल चेकमेट है। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके से गेम आप जीत सकते हो, बहुत ही अटैकिंग लाइन है। पीस देने के बाद तुरंत ही सब कुछ आपके हाथ में होता है, सेक्रीफाइस थोड़े टाइम के लिए लगता है। तो सिगोरिन डिफेंस में ये एक बहुत ही ब्रिलियंट ट्रैप है दोस्तों। ये ट्रैप आप तैयार करके क्वींस गैम्बिट खेलने वाले प्लेयर को सरप्राइज कर सकते हैं। देखिए फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे D4 D5 C4 Nc6 Nf3 देन बिशप G4 पॉन टेक्स पॉन बिशप टेक्स F3। ये मेरी मेन लाइन है जो थर्ड Nf3 वेरिएशन में मैंने आपको बताया था।
यहाँ पे मैं आपको जो NC6 के बाद मैंने जो आज आपको ट्रैप बताई है CD5 सिंपल Qd5 E3 में आप खेल सकते हो E5 और NF3 में E3 के बदले NF3 में आपको बेस्ट चॉइस है Bg4। Bg4 के बाद कंटिन्यूज मूव आएंगे जैसे कि Nc3 नेचुरल मूव है, क्वीन पे अटैक करेगा व्हाइट, यहाँ पे सिंपल Qh5 आफ्टर E3 लॉन्ग कैसल देन Bp2 और Nf6 व्हाइट कैसल करेगा, उसके बाद आपके पास बेस्ट चॉइस है E5 क्योंकि लॉन्ग कैसल के बाद एक्सरे अटैक डायरेक्टली क्वीन पे होता है। तो यहाँ पे H3 एक इतनी अटैकिंग मूव नहीं है, दिखने में अटैकिंग है। बिशप H3 ब्लैक की ब्लंडर है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको खेलना है पॉन टेक्स D4, आफ्टर पॉन टेक्स बिशप देन आप सिंपल नाइट टेक्स D4 और टोटली आपके हाथ में ये गेम आ जाएगी। तो ब्लैक से ये बढ़िया ट्रैप है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, बहुत सारी ओपनिंग लेके मैं आपके पास आपके सामने आऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।